हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लॉकडाउन में नींबूओं को 6 महीने से भी ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये इंग्रेडिएंट तो एक है, इसके फायदे अनेक है और आप इसे किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 किलो नींबू लिया है। ये नींबू बिल्कुल फ्रेश है और ये सड़े हुए नहीं है, वरना क्या होगा, जो हम स्क्वैश बनाएंगे वो खराब हो जाएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे कट कीजिए और इसके जूस को निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जूस निकालने के बाद देखिए, मैंने इसको एक कांच की बॉटल में डाल दिया है, हाफ फिल किया था, हाफ मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर से इसलिए छोड़ा है मैंने ताकि मैं इसको शेक करूँ। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे हैं, सिर्फ हाफ शुगर हाफ लेमन जूस लगा है। ऊपर से मैं यहाँ 2 इलायचियाँ इसलिए डाल रही हूँ, फर्स्ट एक तो इसमें टेस्ट आएगा इसका और सेकंड कि इसमें फंगल इन्फेक्शन अगर होने वाला होगा तो वो नहीं हो पाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ढक्कन लूज है तो आप इसे ऊपर से पॉलिथीन से भी सील कर सकते हैं। अब आप इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे धूप में रख के इस तरीके से जैसे मैं शेक कर रही हूँ वैसे दिन में एक बार शेक करना है और ये 15 से 20 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता है तैयार होना। देखिए से हो चुके हैं ऑलमोस्ट 14 to 15 days और ये ऊपर से वाइट होने लगेगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये ख़राब हो रहा है। इसका कलर ऐसे ही, क्योंकि ये फर्मेंट हो रहा है तो ये इसी तरीके का कलर देने लगता है। बस इसको रोज़ आपको हिलाना है। इससे आप लेमन वाटर बना सकते हैं या फिर लेमन टी में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, या फिर आप फ्रूट जूसेस में ऐड कीजिए, या फिर अगर मॉकटेल्स है वो बनाइए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।